आशा, उषा और सहयोगिनी संघ की हड़ताल विदिशा जिले में जारी है। संघ के बैनर तले कार्यकर्ता पिछले 4 दिनों से जिला मुख्यालय पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में शुक्रवार को संगठन ने बाढ़ वाले गणेश मंदिर तक पदयात्रा निकाली। इसके बाद बाढ़ वाले गणेश प्रतिमा के समक्ष अपनी मांगों का ज्ञापन भेंट किया। असल संगठन की 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिले भर की आशा, उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताएं हड़ताल पर हैं। आशा, उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं ने मंदिर में भगवान गणेश की प्रतिमा को अर्पित किए गए ज्ञापन में आशा, उषा एवं सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए, कार्यकर्ताओं को 18,000 व सहयोगिनी कार्यकर्ताओं को 24,000 मानदेय सहित मांगे रखी गई है। सर, मेरा नाम सीमा रघुवंशी है, मैं आशा उषा संगठन की जिला अध्यक्ष हूँ। और हमने, जैसे हमें संज्ञान में है कि ये मंदिर सीएम साहब ने बनवाया है, तो उनको हम अपनी मांगों के बारे में काफ़ी टाइम से सूचित कर रहे हैं 7 सूत्रीय मांगों को लेकर। तो इस बार हमने सोचा कि उनके मंदिर में आकर ज्ञापन देने से हमारी मांगें शायद पूरी हो जाएं। हम लोग यहाँ, हमें पता चला कि सीएम जी का मंदिर है, ये सीएम साहब ने बनवाया है और वो बहुत मानते हैं यहाँ। तो हमें भी लगा कि जब वो इतना मानते हैं तो उनके लिए, हम जो आशा बहनें और आशा सहयोगी बहनें हैं, हम लोग 2005 से काम कर रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ आशा बहनों को 2,000 और आशा सहयोगी बहनों को 7,500 रुपये दिए जाते हैं। तो सिर्फ 2,000 और 7,500 में हम अपने बच्चों को सिर्फ सूखी रोटी ही खिला पा रहे हैं। तो हम भी वही भगवान जी से प्रार्थना करने आए हैं कि सीएम साहब को थोड़ी सी सद्बुद्धि दें वो, जिससे कि हम लोगों के बारे में सोचें और हम भी अपने बच्चों को, जैसे कि सब लोग बोलते हैं कि बच्चों को न्यूट्रिशन दें, हरी सब्जियाँ दें, फल खिलाएँ, तो हम नहीं खिला पा रहे। हम दूसरों को सलाह तो दे पाते हैं लेकिन हम खिला नहीं पाते अपने बच्चों को। तो हम भी चाहते हैं कि हम भी, हमारे बच्चे भी हरी सब्जियां खाएं, फल खाएं और वो सारी सुविधाएं दे सकें हम अपने बच्चों को जो मिलनी चाहिए।